नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। छत्तीसगढ़ में सीबीआई हमेशा सियासी घमासान का अखाड़ा रही है। कभी सीबीआई की जांच सुर्खियों में रहती है तो कभी उसका दायरा पिछले भूपेश सरकार के दौरान भी सीबीआई में जमकर सियासत हुई सीबीआई मामले को लेकर। अब एक बार भारतीय न्याय संहिता के तहत सीबीआई की लिमिट तय की गई है। इस बार जांच एजेंसी के दायरे को संशोधित किया गया है और हाल ही में जारी हुए अधिसूचना के मुताबिक सीबीआई किसी भी सरकारी कर्मचारी पर पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी मामले में अपराध दर्ज नहीं कर पाएगी और ना ही जांच कर पाएगी। देखिए एक रिपोर्ट, सीबीआई पर बखेड़ा आखिर क्यों। सीबीआई की नई लिमिट फिक्स, सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर होगा नियंत्रण। बिना अनुमति सीबीआई राज्य के कर्मचारियों के खिलाफ जांच भी नहीं करेगी। अफसर के घर रेड मारने और जांच करने से पहले लगेगी लिखित अनुमति। परमिशन नहीं मिली तो सीबीआई न रेड मारेगी और न ही जांच करेगी। दरअसल साल 2019 के जनवरी महीने में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जनरल कंसेंट वापस लेकर सीबीआई को लेकर बैन लगाया था। तब भिलाई में रिश्वत से जुड़ी कार्रवाई के लिए पहले सीबीआई ने अनुमति मांगी थी, जिसके बाद अनुमति अगले 4 सालों तक नहीं मिली। इसके बाद बीजेपी की सत्ता आई और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सीबीआई को हरी झंडी मिली। बीजेपी सरकार ने अब तक इन मामलों में सीबीआई जांच करी। महादेव सट्टा बैटिंग ऐप घोटाला, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाला, बिरनपुर हिंसा मामले की जांच, आय से अधिक संपत्ति मामले में कई छापे, जांच जारी। इधर सीबीआई को लेकर नई लिमिट आई तो सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। एक तरफ बीजेपी इसे सोचा समझा फैसला बता रही है तो वहीं कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूक रही है। मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, कुछ फैसले सरकार सोच समझ कर लेती है, ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो उन्होंने अन्याय अत्याचार किया है, छत्तीसगढ़ के साथ किया है, आज वो उन चीज़ों का जवाब देने के बजाय जवाब मांग रहे हैं, प्रश्न लगा रहे हैं, ये उचित नहीं है। केंद्रीय एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की आदत रही है। जब भी उनके प्रतिकूल कोई बात होती है तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की आदत रही है। वास्तविकता ये है कि आज केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष होकर अपनी कार्यवाहियां कर रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और मार्च 2024 में सीबीआई पर लगी रोक हटा दी। इस पूरे मामले में दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, लगता है राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल नहीं है। वहीं सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में सीबीआई की एंट्री केवल कांग्रेस के लिए है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल नहीं है? क्या डबल इंजन की सरकार अविश्वास विश्वास खो चुकी है? क्या दोनों सरकारों में अविश्वास की स्थिति है? क्या मुझे लगता है यहाँ सीबीआई की एंट्री सिर्फ कांग्रेसियों पे कार्रवाई करने के लिए किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2001 से ही, जब से सीबीआई की एंट्री छत्तीसगढ़ में हुई है, तब से प्रदेश में सीबीआई को लेकर उठापटक का दौर चला है और राष्ट्रीय स्तर पर भी सीबीआई को कई उपनाम दिए गए। कभी कांग्रेस सरकार आती है तो सीबीआई बैन रहती है, बीजेपी के आते ही रास्ता तो खुल जाता है लेकिन लिमिट तय कर दी जाती है। बहरहाल सीबीआई को लेकर सवाल खड़े होने का सिलसिला कब खत्म होगा पता नहीं, लेकिन इस वक्त सीबीआई की कार्रवाई पर सीमा तो तय कर दी गई पर सियासत असीमित जारी है। TV27 के लिए रायपुर से हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। तो आपने देखी ये खास रिपोर्ट और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर सीबीआई की सीमा तय तो सियासत की सीमा क्यों नहीं तय हो रही है, सियासत क्यों अनलिमिट चल रही है, इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। किरण बघेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV27 न्यूज़ पर। अनिल सिंह चौहान जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर आर के शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत अनिल सिंह चौहान जी आपसे करेंगे चर्चा की, आखिर क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सीबीआई को लेकर के जो बातें उठती हैं आप लोगों की तरफ से जो कही जाती हैं,
कि कांग्रेस के लिए सीबीआई के के लिए दरवाजे केवल खोले जाते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पर ही कार्रवाई की जाती है? और रही बात अभी की फिलहाल की, तो ये तो सरकारी कर्मचारियों के लिए है आदेश जारी किए गए हैं। देखिए योगेश जी, आपको, सभी पैनलिस्टों को, आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। बहुत सीधी सी बात है, जब विपक्ष पूरे देश में सीबीआई और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पे आ रहा है, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है, वो लोग, वो पत्रकार हों चाहे दूसरे इंस्टीट्यूट हों या एजेंसियां हों या विपक्ष के नेता हों, जिन्होंने भी सरकार पर सवाल उठाया उन पर सीबीआई की रेड हो जाती है। और सीबीआई, ईडी, आईटी, इन सभी संस्थाओं का जिस कदर दोहन और दुरुपयोग हुआ है, अवमूल्यन हुआ है, ये सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं उठाती, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालयों ने भी इस विषय में कई बार टिप्पणी की है। आप दूसरी तरफ राजनीतिक और दूसरे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठनों ने भी सवाल उठाया है, और आप जैसे विद्वान पत्रकारों ने भी इस मामले में कई बार समीक्षा की है। सवाल इस बात का है कि जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में और सीबीआई को सीमित किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बखेड़ा बनाया और उन्होंने कहा कि सीबीआई पूरे विश्व की सबसे अच्छी एजेंसी है, उसको किसी दायरे में नहीं बांधना चाहिए। फिर ऐसा क्या हो गया योगेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को अब इस लोकसभा चुनाव के बाद अपना जनाधार खिसकता हुआ दिख गया? अब इनको समझ में आ गया कि हम बैसाखियों में आ गए हैं और हो सकता है भविष्य में हमारी सरकारें दूसरे राज्यों में भी ना बने और केंद्र में भी ना बन पाए? तो क्या ये उसकी पहल हो रही है, या जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये राग अलापती थी कि सीबीआई पर कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए, वो लगातार बंदिशें और सीमाएं सीबीआई पर तय कर रही है? ये जो प्रयास चल रहे हैं, ये विरोधाभास जो हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने कई बार डिबेट में आपके साथ बैठे, दूसरे लोकप्रिय चैनलों पर बैठे, आपके चैनल पर बैठे, देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो सीबीआई, ईडी और आईटी के प्रवक्ता बन गए। इस तरह की भूमिका भी इन लोगों ने अदा की है, और आज उसी सीबीआई को लिमिटेशंस क्यों बताई जा रही है? तो क्या जब कांग्रेस पर या विपक्षी दलों पर कोई आक्रमण करना हो, सिंबॉल छीनने हो, निर्वाचित लोगों को जेल भेजना हो, चरित्र, राजनीतिक चरित्र हरण करना हो, तो सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल? और जब इनकी सुविधा हुई, ये सरकार में आए, तो अब ये कह रहे हैं साहब बंदिशें होंगी, आप जो हमारे कर्मचारी हैं उनके यहाँ छापा नहीं मार सकते। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के निजी सचिवों के यहाँ, दिल्ली हो या छत्तीसगढ़ या कई प्रदेशों में, जो दूसरे दलों के, जो गैर भाजपा शासित सरकारें थी, वहां निज सचिवों के यहाँ, आईएएस लोगों के यहाँ लगातार छापेमारी सीबीआई, ईडी, आईटी ने सुविधा अनुसार की। जहां केंद्र की सरकार को, अमित शाह जी को उचित लगा कि इस तरह से इस दल को और सरकार को उधेड़बुन किया जा सकता है, स्थिर किया जा सकता है, उन्होंने लगातार छापेमारी की और अब ये नियम बना दिए। तो देखिए, समीक्षा और ये सारे विषयों को तो भारतीय जनता पार्टी से समझने की जरूरत। ठीक है, बिल्कुल। किरण जी, आखिर क्यों ये सीमा निर्धारित की जा रही है? क्यों किसी का दायरा, किसी का मतलब तो हम किसी का नहीं कह सकते हैं, सीबीआई का, जो कि सर्वाधिक विश्वास प्रिय एजेंसी है, आप लोगों ने खुद हमेशा कहा है। और ऐसे में अभी ये हमारे साथ जुड़े हुए अनिल सिंह चौहान जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को हमेशा कहती रही है कि ऐसी जांच एजेंसियों को किसी दायरे में बांधने की जरूरत नहीं है। तो आखिर छत्तीसगढ़ सरकार को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि ये दायरा तय करना पड़ा? देखिए योगेश जी, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर कांग्रेसियों को दिक्कत कहाँ है इसके दायरे बांधने में, या पहले इन्होंने अपने सरकार के समय में सीबीआई को बैन करके रखा था, हमारी सरकार आई और जितने भी हमने वादे किए थे, चाहे वो परीक्षा घोटाले में सीबीआई की बात हो या अन्य जो भी घटना इनके पूर्व शासनकाल में हुआ उसमें सीबीआई जांच की बात हो, वहां पूरी तरह सीबीआई की जांच टीम बैठी। रही बात, आपने स्वयं ने ये कहा है कि कुछ सीमित सिर्फ शासकीय कर्मचारियों के ऊपर उनसे तलब करने से पहले इनको अनुमति लेनी चाहिए होगी, तो इसमें साफ साफ संकेत है, इसमें बैन नहीं किया गया है, सिर्फ अनुमति की बात है, तो ये मुझे लगता है एक औपचारिक बात होगी, तो इसमें कांग्रेसियों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। औपचारिक कैसे हो सकती? ये योगेश जी दूसरी बात बता दूं, ईडी और सीबीआई के जांच करने का अलग अलग तरीका है। ईडी को किसी भी प्रदेश में जांच करने से पहले किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, इसके ठीक विपरीत सीबीआई का एक अपना अलग तरीका है, उसे हर राज्य में जांच से पहले उस राज्य की अनुमति आवश्यक होती है। तो मुझे लगता है अन्य राज्य में भी, अगर एमपी, राजस्थान की इनकी जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी वहां भी यही, राजस्थान में बहुत अन्य प्रदेशों में भी यही
यही ये सिस्टम अलाउड है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। पहले ये कहते हैं ईडी और सीबीआई को इसका दुरुपयोग करते हैं, जब इसे जब लिमिटेशन में बांध रहे तब भी इनके पेट में दर्द है। नहीं तो आप ये सवाल तो ये सवाल तो आप लोग ही उठाते रहे ना कि भाई सीबीआई के लिए कोई दायरा क्यों तय किया जा रहा है, एक कांग्रेस शासित राज्यों का जो आप जिक्र कर रही हैं, सवाल तो आपके ही थे, तो क्यों दायरा क्यों, और आज उसी सवाल में घिरती नजर आ रही हैं। बिल्कुल नहीं योगेश जी, हमारे स्वयं उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ फैसले क्यों फैसले सरकार नहीं, क्यों आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि राज्य में और केंद्र में तो आपकी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस से ही तो सवाल पूछ रही है, कांग्रेस से ही तो आरोप लगा रही है। क्या 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 केंद्र और राज्य यानी डबल इंजन की सरकार का जिसका हवाला बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, दोनों सरकारों के बीच सामंजस्य नहीं है क्या, यही तो कांग्रेस पूछ रही है। देखिए योगी जी, अगर डबल इंजन की सरकार है तो क्या हम नियम के विरुद्ध चले, क्या हम कानून को मानना छोड़ दें? डबल इंजन की सरकार है तो क्या हम अपनी मनमानी कर सकते? हम छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच में एक समन्वय का काम किया जा रहा है और बिल्कुल नियमतः जो प्रक्रिया होती है कानून के तहत नियम के तहत वही करेंगे ना। डबल इंजन मेरे सवाल का जवाब आया नहीं, मैं खैर समझूंगा, एक बार फिर से आपसे पूछ लो रहा हूँ, कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की जब सरकार थी उस दौरान जब भूपेश बघेल सरकार ये कहती थी कि सीबीआई की जांच करने से पहले राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इसका विरोध करते रहे हैं और राज्य सरकार के यानी भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं, तब ये कहा जा रहा था कोई जरूरत नहीं लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तो आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है कि जिसका जब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे आज उसी का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं ठीक है अनुमति लेनी जरूरी है राज्य सरकार से, सवाल ये। योगेश जी इनके समय में इन्होंने नान घोटाले पे आरोप लगाए, इन्होंने झीरम घाटी के सबूत के बारे में बात की, तो क्यों इन्होंने सीबीआई जांच से अलाउ नहीं किया छत्तीसगढ़ में, जब इनके आरोप तो सिर्फ आरोप महज आरोप रह गए, झीरम घाटी के सबूत बाहर ही नहीं है, 5 साल से इनका कार्यकाल बीत गया, उन्होंने झीरम घाटी पे ने सीबीआई जांच की मांग रखी अलाउ किया, ना ही नान घोटाले पे, तो इनकी मंशा तो जनता की तरफ तक पहुंच रही है कि इनकी कथनी और करने में कितना फर्क है। जब ये जितने आरोप भाजपा के शासन पर इन्होंने लगाया, इनके पास 5 साल का कार्यकाल था, सीबीआई को एंट्री दे सकते थे, विषयांतर कर रही है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है ठीक है आरोप लग रहे, ठीक है ठीक है। किरण जी आप जवाब नहीं दे पा रही है, समझ रहा हूँ मैं। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, क्या लगता है सीबीआई मामले को लेकर के लगातार सियासत तो अक्सर होती रहती है जब से सीबीआई जांच का दायरा बढ़ाती है या सीबीआई मामले को कुछ भी मामला होता है, अब एक और नया बखेड़ा खड़ा हो गया छत्तीसगढ़ में। देखिए TV27 एक राष्ट्रीय चैनल है, तो मेरा मानना है कि इसको सिर्फ हम छत्तीसगढ़ से ही जोड़ के ना देखें, बल्कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि पार्टी कोई भी हो जिसकी सरकार आती है वो पार्टी अपने आप को भारत समझने लगती है, देश समझने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस रहे देश में ना रहे, भारतीय जनता पार्टी रहे देश में ना रहे, देश तो रहेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले देश है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से भारत की पहचान नहीं है, बल्कि भारत से इन दोनों की पहचान है। लेकिन हो क्या रहा है कि जिस भी पार्टी जिस भी प्रदेश में जैसे ही विपक्ष में पहुंचती है वो हमारी राष्ट्रीय एजेंसियों पे आरोप लगाना शुरू कर देती है, और जैसे ही उनकी सरकार बनती है वही एजेंसी वही कर्मचारी वही नियम वही कानून कायदे उनके लिए अच्छे लगने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनको नियम कानून कायदों से कोई वास्ता नहीं है, इनका अपना उद्देश्य इनका अपना हित अगर हो रहा है तो एजेंसियां अच्छी हैं कानून अच्छा है, और अगर नहीं है तो जी उनसे आरोप लगाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा जो इन एजेंसियों में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं वो हमारे ही समाज से निकल के आते हैं, हमारे ही जैसे हैं, उनके भी दो हाथ हैं दो पैर हैं, उनका भी वही दिमाग है, हमारे ही परिवारों में से निकल के वो वहां पहुंचते हैं। अब वो पहुंच कैसे रहे हैं किन परिस्थितियों में अपना काम कर रहे हैं उसकी सराहना ना करते हुए राष्ट्रीय पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए उन पर आरोप लगाती हैं, उनका मॉरल डाउन करती हैं, और कहीं ना कहीं फिर उन एजेंसियों को नहीं इनडायरेक्टली हमारे कानून की न्याय व्यवस्था क्या जो हमारी ये जांच व्यवस्था को चैलेंज करती हैं, जो शायद नहीं होना चाहिए। ये मेरा दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं से निवेदन है, क्योंकि
कोई भी एक पार्टी इसकी दूध की धुली नहीं है। आपको शायद याद होगा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, शायद उनका नाम था लक्ष्मण बंगारू जी, वो भी पकड़े गए थे, हमारे किसी सीबीआई ने पकड़ा था। वर्तमान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संयोजक सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन सब पर भी चाहे केस चल रहे हैं या बेल पर चल रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी ही दूध की धुली है, दूसरी बिल्कुल करेक्ट है। मेरा मानना है कि राजनीतिक पार्टियों को अपने स्वार्थ के लिए देश की किसी भी एजेंसियां, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, उनके मॉरल डाउन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ पे कि छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी। आप देखिएगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने सीबीआई की एंट्री को बैन किया था कि आती है तो हमसे पूछें, मतलब इनकी भी नियत में होश था। आज जो हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में है, उन्होंने अलाउ तो किया बट कंडीशन डाल दी, टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल। जिन कंपनियां तो होती ना किन्हीं के बारीक शब्दों में लिखती है टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल, मतलब क्या मौजूदा सरकार को भी ऐसा लगता है कि उनके अंदर काम करने वाले कर्मचारी क्या कहीं ना कहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ करप्ट है, अगर नहीं है तो आप ओपन करो ना भाई। अगर सीबीआई आती है, प्रदेश की एजेंसियां हैं, देश की एजेंसियां हैं, अगर उनको कहीं से इनपुट मिलता है और वो आके कर्मचारी हो, राजनेता हो या राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो या कोई व्यापारी वर्ग हो, अगर वो किसी प्रकार की इंक्वायरी करते हैं तो राज्य सरकार को उसका स्वागत करने चाहिए, उनका सहयोग करने चाहिए, ना कि लिमिट लगा के आप अपने अपने लोगों को बताने का इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बातों से बिल्कुल साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला तो जरूर नजर आ रहा है, और यही वजह है कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए गए हैं, शर्तें लगा दी गई हैं। अनिल जी, जब सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी होती है तब तो उसके लिए नियम कानून ठीक रहते हैं, विपक्ष में जाते ही ये नियम कानून क्यों गंदे लगने लगते हैं, क्यों बुरे लगने लगते हैं? देखिए योगेश जी, मैंने आपके डिबेट में किरण जी की असहजता को भी देखा, उनके विषयांतर को भी देखा, मैंने विद्वान पत्रकार जो हमारे विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं आरके शुक्ला जी, उनको भी सुना। बहुत नैतिक बातें उन्होंने की कि पहले राष्ट्र है, पहले भारत है, फिर पार्टियां हैं, स्टार्ट अच्छा था, लेकिन मैं आखिरी तक तथ्यों को नहीं समझ पाया। मैं एक चीज आपके डिबेट में जो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि कोई भी निर्णय अगर राज्य सरकार करे या विपक्ष करे तो, या जो तत्कालीन सरकार है, उसमें एक तर्क होना चाहिए, एक तथ्य होना चाहिए। जैसे माननीय विद्वान पत्रकार ने कहा कि कांग्रेस ने क्यों सीबीआई को बैन किया था, हम उसका तर्क और तथ्य दे सकते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में आंकड़े उठा के देख लीजिए कि हम सीबीआई को बैन कर सकते थे, इसलिए हमने किया। उसका कारण था कि मैक्सिमम राजनीतिक छापेमारी हो रही थी, 90% छापेमारी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर और वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा या दूसरे तरीके से मदद नहीं कर रहे उन पर हो रही थी। इस लॉजिक के साथ हमने किया। हमने अरुण साव जी की तरह ये नहीं कहा कि सोच समझ कर हमको लगा इसलिए हमने ऐसा कानून बना दिया, हम तो तर्क दे रहे हैं साहब हमने क्यों किया। अब आपके विद्वान दर्शकों को अगर मेरा तर्क पसंद नहीं आएगा तो मुझे नापसंद कर दें, लेकिन आप, मैं समझता हूं इस लोकप्रिय चैनल के दर्शक भी बहुत विद्वान दर्शक हैं, TV 27 को वो लोग देखते हैं जो बहुत एक अपेक्षा रखते हैं कि लॉजिक की बात निकलेगी, इसमें एक सार निकलेगा। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि किरण जी असहज थी, वो जवाब नहीं दे पाई। अरुण साहू जी कहते हैं कि हमने सोच समझ के निर्णय किया है। आप योगेश जी ये समझिए कि जिस सीबीआई के पास सीएससी घोटाले की जांच है और कई महत्वपूर्ण जांच आपने अभी बताया और सभी शासकीय कर्मचारियों से जुड़ी हुई है, और अभी जो सरकार है वो कहती है कि आप किसी शासकीय कर्मचारी के यहाँ दबिश देने के पहले, उसके खिलाफ नई इंक्वायरी करने के पहले आप हमसे परमिशन लेंगे, ये कौन सा तरीका है? आप जो दूसरे गैर भाजपा शासित दल हैं और सरकार में हैं, उनके मुख्यमंत्री के कार्यालय तक में छापा मार दे रहे हैं, आईएएस लोग के यहाँ छापा मार दे रहे हैं और उनको भ्रष्ट बता रहे हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई वो सारे कर्मचारी उसी दिन राजा हरिश्चंद्र की तरह ईमानदार हो गए, उसी दिन उनका मन परिवर्तन हो गया क्योंकि सरकार बदल गई और उसके पहले वही सब भ्रष्ट कहलाते थे? तो ये जो दोहरा मानदंड है भारतीय जनता पार्टी का, मेरा ये कहना है कि आपका लोकप्रिय चैनल और लोकतंत्र के मूल्य दोनों कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई निर्णय ले तो उसमें एक तर्क होना चाहिए, एक तथ्य होना चाहिए। ठीक है, हमें सोच समझकर ऐसा लगा इसलिए हमने ऐसा कर दिया। आपने तर्क दिया, ये लोकतंत्र के सही मूल्य नहीं है, ये मेरा ठीक है। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, हाँ, मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ। मैंने ये बोला था कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से हमारा देश नहीं है,
बल्कि देश के राष्ट्रीय पार्टियों की पहचान है, ठीक है ना। उसमें मेरा एक ठीक है ना, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही कोई पार्टी सरकार में आती है वो अपने आप को देश से ऊपर समझने लगती है। मेरा ऑब्जेक्शन विरोध इस बात पे था। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, वो आपका ऑब्जेक्शन जो आपने कहा वो अपना क्लियर कर दिया। किरण जी, बड़ा सवाल ये उठ रहा है, देखिए आर के शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि भाई वही चीज़ें जब आप विपक्ष में होते हो तो आपको ना पसंद आती हैं, सत्ता पक्ष में आते हो और सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अनिल जी बैठे हुए हैं कि हमने ये जो फैसला लिया सोच समझ करके फैसला लिया, वो उनका तो सीधा आरोप है कि आप मुख्यमंत्री के दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री होते हैं तो उनके यहाँ आप छापे मार देते हैं, IAS अधिकारियों के यहाँ छापे पड़ते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ छापे पड़ते हैं, लेकिन आपकी ही जहाँ पर सत्ता है वहाँ पर आप कहें कि नहीं भाई पहले आपसे परमिशन ली जाएगी और तब आगे की कार्यवाही की जाएगी, तब आप किसी घर में छापा मार सकते हैं। देखिए योगी जी, अगर आप इस पूरे आदेश को पढ़ते हैं तो कभी कभी शासकीय कर्मचारी बिना बताए विदेश दौरे पे चले जाते हैं या कुछ अधिकारी एब्सेंट भी रहते हैं, तो मुझे लगता है इसके बीच समन्वय, सरकार और अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए भी ये हो सकता है ये जो आदेश निकले वो कुछ लिमिट काल खंड के लिए हो, इस प्रकार सीबीआई जांच के सरकार के लिए। लेकिन किरण जी यहाँ पर एक सवाल और उठ सकता है, सवाल एक और उठा जा सकता है। देखिए मुख्यमंत्री के यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में भी जो होते हैं, सुन लीजिए ठीक है किरण जी, मैं आपकी बात समझ गया, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी जो होते हैं सीएमओ में जो होते हैं वो भी अधिकारी ही होते हैं, IAS अधिकारी होते हैं, परमिशन सीधे लेटर सीबीआई कार्यालय से आएगा और सीधे मुख्यमंत्री के केबिन पर उनके उसमें तो पहुंच नहीं जाएगा, जाएगा एक वाया जाएगा ना, तो वो भी तो एक लीक हो सकता है, मतलब पहले से हम जानकारी, ठीक है बहुत सारे तर्क इसमें आएंगे। बहरहाल समय का अभाव इसलिए किरण जी, समय का अभाव इसलिए चर्चा को हमें विराम करना पड़ा है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सीबीआई मामले को लेकर के एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप बने रहिए TV27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।